नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। इस समय ना कोई मंदिर मस्जिद का किस्सा है, ना कोई किसी के बयान पे बवाल है, और ना ही अग्निपथ की कोई चर्चा है। चर्चा है तो सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की। दो दिन से सरकार बचा रहे उद्धव अपनी पार्टी बचाने के जुगत में है इस समय, क्योंकि उनकी पार्टी पे भी अटैक हो गया है। अपनी बात कहने के लिए उन्होंने फेसबुक का सहारा लिया है और फेसबुक पे वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी पे कोई संकट नहीं है। वहीं एकनाथ शिंदे ने सरकार ही नहीं सीधे पार्टी पे कब्जे करने की घोषणा कर दी है। शिवसेना ने व्हिप जारी करके बुधवार शाम 5 बजे पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी। उससे 50 मिनट पहले ही एकनाथ शिंदे ने एक व्हिप को अवैध बता करके चीफ व्हिप सुनील प्रभु को हटाने की घोषणा कर दी। ये उनका एक बड़ा फैसला था। साथ ही भारत गोगवाले को इस पद पर नियुक्त कर दिया और इसके साथ ही शिंदे ने राज्यपाल को 34 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी भी भेज दी। साफ है सरकार के साथ पार्टी भी पर भी उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। कोशिश क्या की है, जब उन्होंने वहाँ पे अपना बंदा बिठा दिया है और इसको और क्या कहेंगे, पार्टी पे कब्जा तो उन्होंने कर ही लिया है। शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके पास 46 विधायक हैं, हालांकि गुवाहाटी में भी अभी शिवसेना के 35 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। 3 और विधायक महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ गुवाहाटी के लिए निकल चुके हैं, यानी कि कुल 40 विधायक हैं। एक और ध्यान देने की बात है दोस्तों, एकनाथ शिंदे को दल बदल कानून से बचते हुए उद्धव सरकार को गिराने के लिए शिवसेना के 37 विधायक चाहिए। फिर भी वो रुक नहीं रहे हैं, वो लगातार बागियों के डेरे में शिवसैनिक विधायकों को जोड़ रहे हैं। गुवाहाटी के 5 सितारा होटल के बाहर शिंदे ने 46 विधायकों के साथ होने का दावा किया है। और कोई बड़ी बात नहीं है, बागियों की तादाद 50 तक भी पहुंच सकती है। यहाँ एक सवाल दिमाग को परेशान कर रहा है, आखिर शिंदे चाहते क्या हैं? वो लगातार जरूरत से ज़्यादा शिवसेना के बागी विधायकों को क्यों जुटा रहे हैं? वहीं बीजेपी ने अभी तक विधानसभा सत्र बुलाने की मांग क्यों नहीं की है? उद्धव से खुली बगावत के बावजूद शिंदे लगातार क्यों कह रहे हैं कि वो बाला साहेब के सच्चे सैनिक हैं, उन्होंने शिवसेना नहीं छोड़ी है? दोस्तों, इन सब सवालों का एक ही जवाब है, एकनाथ शिंदे का मिशन सिर्फ उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनना नहीं है, बल्कि शिवसेना को भी उनसे हथियाना है। लेकिन कैसे, इसे मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ कि कानूनी तौर पे राजनीतिक पार्टियों में बंटवारा 2 हालात में होता है। जब संसद या विधायक सदन में हो, यानी कि उनकी बैठक चल रही हो, एक दूसरा जब संसद या विधायक सदन में ना हो। पहली सिचुएशन में, यानी जब संसद या विधानसभा सदन में होती है, तो किसी भी पार्टी के विधायकों को बीच में होने वाले बंटवारे को पार्टी में बंटवारा माना जाता है। ऐसे बंटवारे पे ही दल बदलू कानून लागू होता है। और सीधे सीधे कहें तो दल बदल कानून लागू करने के लिए सांसद और विधानसभा को सदन में होना जरूरी है। ऐसे हालात में गेंद जो है विधानसभा के स्पीकर के हाथों में चली जाती है। और दूसरी सिचुएशन ये है, यानी जब संसद या विधानसभा सत्र में नहीं होती, तब किसी भी पार्टी में होने वाला बंटवारा संसद या विधानसभा के बाहर बंटवारा माना जाता है, उसको आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ऐसे में अगर पार्टी के चुनाव चिन्ह पे कोई खेमा दावा करता है, यानी जब ये तय होना होता है कि कौन सा खेमा असली पार्टी है, तब इन पर सिंबल ऑर्डर 1968 लागू होता है और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग करता है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो संसद या विधानसभा के सत्र में होने वाली पार्टियों में होने वाले बंटवारे की गेंद चुनाव आयोग के पास चली जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा खेल है। विधानसभा से बाहर राजनीतिक पार्टियों में बंटवारे के सवाल को चुनाव आयोग सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत तय करता है। इसके लिए आयोग सभी पक्षों को सुन करके फैसला तय करता है। आयोग सिंबल को फ्रीज भी कर सकता है, यानी कोई भी खेमा पार्टी सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर पाता। कुल मिला के इस समय जो हालात हैं उन पर कुछ भी आप अज्यूम नहीं कर सकते, कुछ भी आप पहले से नहीं कह सकते, क्योंकि अभी
बहुत सारी चीज़ें आने वाले 2-3 दिनों के क्रम में है। हाँ, फेसबुक पे लाइव होकर के उद्धव ने ये साबित कर दिया है कि उनके पास फेसबुक के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा है। वो अपने लोगों से बैठक नहीं कर पा रहे हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, जो स्थितियां बन रही हैं वो स्थितियां यही कह रही हैं कि उद्धव सरकार जो है इस समय बिल्कुल गिरने की स्थिति में है, केवल उसकी घोषणा भर करना बाकी है। दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।